इस समय बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए, क्योंकि जो खबर आई है उसके मुताबिक राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट ने भी राहत नहीं दी है। 2019 चुनाव का ये मामला था जहां पर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र, अपने दर्शकों को बता देते हैं, राहुल गांधी की याचिका खारिज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, राहुल गांधी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, ना उम्मीदी लगी है। राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है, सेशन कोर्ट की सजा को बरकरार रखा है हाईकोर्ट ने भी, तो यहां पर कांग्रेस को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। काफी उम्मीदें थी, काफी अटकलें लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि अगर सजा पर स्टे लगती है तो क्या राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे, क्या उनकी सांसदी जो बर्खास्त कर दी गई थी वो बहाल हो जाएगी। एक बार फिर से भूपेंद्र का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र देखिए, बहुत बड़ा झटका पूरी की पूरी पार्टी के लिए, एक तरह से पूरे विपक्ष के लिए, राहुल गांधी को एक बार फिर से नाउम्मीदी हाथ लगी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल, अब यही ऑप्शन बच सकता है उनके बाद, अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जो है उनके लिए है। लेकिन जिस तरह से ये तीसरी कोर्ट है जहां पर कह सकते हैं कि राहुल गांधी को निराशा हाथ लगी है, पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसके बाद सेशन कोर्ट और अब गुजरात हाई कोर्ट, तीनों तरफ से तीनों कोर्ट के दरवाजे जो है उनको कोई राहत नहीं मिल पाई है। जो दो साल की सजा जिस पर उनको अपनी सांसदी गंवानी पड़ी वो बरकरार रखी गई है, याचिका खारिज कर दी गई है। जाहिर सी बात है गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है बहुत ही निराशाजनक है। कई बार इस तरह के अटकले भी चल रही है कि वायनाड की सीट जो राहुल गांधी की सजा के बाद से खाली पड़ी हुई है उस पर भी चुनाव होने हैं, क्योंकि काफी टाइम से वो खाली पड़ी हुई है। तो अब क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि जिस तरह की सजा सुनाई गई है उसके बाद जो उनका सांसद को निलंबन हो रही है, लेकिन इसके अलावा उनके चुनाव लड़ने पर भी